हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो कमेंट में मुझे बताना। और आज है फ्राइडे, आज का डिनर होगा एक मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया, और वो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आप डिनर ज़रूर देखिएगा। लंच तो अभी देख रही हूँ मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं, वो मुझे इतना पता नहीं है मैं क्या करूँगी, लेकिन डिनर आप ज़रूर देखना। मैं डिनर में बनाऊँगी आज एकदम डिलीशियस मज़ेदार चीज़ जो आप सबको पसंद है और बच्चों को बहुत काफ़ी पसंद है वो। शादियों में तो ये देते ही देते हैं, तो मेरी शादी के टाइम से है, तो आज मैंने ये खोला तो मुझे ये दिखा तो मुझे ये याद आ गया ऐसे सर पे लेके। दिख रही हूँ पता नहीं आपको, कितना अच्छा लगता है ना सर पे लेके ऐसे जाते ऐसे करके। बाहर जाना है सामान लेने के लिए, तो बाहर जाके फिर आऊंगी। बाय, जय सिया राम बेटा। जय सिया राम मम्मी। इन द स्टिलनेस समवेयर अबाउट द सिटी लाइट्स यू फॉलिंग इन लव। आज बनाऊं शु बाजरी ना रोटला, देसी खाना।
दिग्विजय को मैंगो शेक दे देते हैं। दिग्विजय आपका मैंगो शेक। कैसा बना मैंगो शेक, अच्छा लगा? मेरे को ये वाला पसंद पसंद है ना, तो मैंने अकेले अकेले पिया आज। मैंगो रस नहीं पसंद बट मैंगो मिल्कशेक बहुत पसंद। आज मैंने अकेले अकेले पिया, तुम भी नहीं थे और मेरे पापा भी नहीं थे। हाँ, तो आज मैंने अकेले अकेले पी लिया ये। और अभी क्या खाओगे डिनर में? पूरो का पिज्जा। आज तो पिज्जा खाएंगे, पिज्जा पीछे देखो आगे देखो। Do you know what love means? This is insane. You're saying things I can't explain. I know where your heart is, where you wanna be. So why do you keep testing me? It just isn't worth my time to try to make you believe me when you don't believe me. This is where I draw the line and pretend that I'm leaving. This is me leaving. I'll let you win. My toothbrush, how does that feel? Tell me how this can't be real. You're talking in riddles, just let it go. And trust me if you love me so. अभी शाम के हो गए हैं कितने 7:30 और हम दोनों आ गए हैं किचन में, मैं और दिग्विजय। दिग्विजय मेरी हेल्प करवाएगा, वो चीज़ छीनेगा ना। और आज बन रहा है हमारे घर पे पिज्ज़ा। और कौन सा पिज्ज़ा बन रहा है? वो चीज़ बस्ट आज बन रहा है, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना और मुझे बताना कमेंट करके कि भाई आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है चीज़ बस्ट का पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बेस भी मैं घर पे बनाऊंगी, बाहर से नहीं लाई हूँ, घर पे मैंने आटे से मैं बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। 2 कप मैदा लिया है मैंने, और शुगर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर और दही। अगर खट्टी वाली दही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास ईस्ट हो, ये वाला कोई भी ब्रांड का हो ईस्ट, तो भी इंस्टेंट बन जाएगा वो। तो फिर आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं डालना है अगर ईस्ट है तो। मेरे पास ईस्ट है अवेलेबल, लेकिन मैं इस बार इससे बनाती हूँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के। नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अगर ईस्ट है आपके पास तो आप ये भी डाल के पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। तो इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा, शुगर, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और दही। दही अंदाज से लेना है। और इसे हल्के हल्के हाथों से आटा गूंदना है, ज्यादा वेट नहीं देना है। इसे थोड़ा फूट फूट के आटा गूंदना है, मतलब ऐसे पटक पटक के। यहाँ पे दिग्विजय मेरी हेल्प के लिए चीज छीन रहा है। करो करो बेटा काम, मम्मी को हेल्प तो करवाना चाहिए। वैसे हम दोनों तो किचन में साथ में रहते हैं, पापा क्या बोलते हैं, किचन में घुसे रहते हैं। पापा तुम्हारे यही बोलते हैं ना कि माँ बेटे पूरे दिन साथ में किचन में रहते हैं। तो हम दोनों का तो ऐसा ही है, माँ बेटे साथ में रहते हैं। पहले मैंने छोटे छोटे जैसे रोटी जैसे लुए बना दिए और उसको पतला पतला बेलना है।
इसमें बबल आने लगे इसको पलटना है, मतलब थोड़ा सा ही सेकना है इसको, ज्यादा नहीं इसको सेकना है, क्योंकि ये पिज्जा बेस के अंदर जाएगा तो फिर उसमें तो पूरा हीट से होगा ही होगा वो। उसको इस तरह से सेकना है, एकदम लाइट हल्का हल्का सेकना है। एक कढ़ाई पे मैंने लिया है सोल्ट, एक्चुअली ये पुराना वाला, मैं काफी बार पिज्जा बना चुकी हूँ ये सोल्ट, और मैंने ऐसा लिया है स्टैंड, तो स्टैंड पे रखना है इसको कढ़ाई में और ऊपर ढक्कन। तो इसको हम रख देंगे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। तो स्टार्ट कर देती हूँ मैं हाई फ्लेम पर, 10 मिनट इसको हीट होने देंगे। अब पिज्जा बेस मेन वाला जो बड़ा वाला वो बनाऊंगी, थोड़ा मोटा मोटा रखना है इसको, छोटा नहीं रखना है, वो पतला बना है ये मोटा। अच्छा पहले डालेंगे प्रोसेस चीज खूब सारा, उसके ऊपर ये जो रोटी बेली थी हमने ये रख देंगे, रोटी जाएगी इसके ऊपर। फिर साइड में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के कवर करना है, थोड़ा सा टोमेटो केचप, सारा फैला देंगे इसमें चीज। फिर अनियन एंड शिमला मिर्च, और इसकी पूरी साइड कवर करना है बटर से, खूब सारा बटर लगाना है यहाँ पे, इस पे लगाऊंगी बटर। ये टॉपिंग पूरा लगा दिया, अब इसको रख देंगे इस, ये हाई हीट पे मैंने किया था गरम कढ़ाई को, इसको रख देंगे इसको, और अभी इसको 10 मिनट हाई हीट पे पकाना है। अभी रात के बजे हैं 9 और अभी शुरू हुई है बारिश, और बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली भी बहुत कड़क रही है, और अभी और फ्लो हो गया बारिश का। तो आज बना रहे केक, पिज्जा बनाया, ड्रमस्टिक और आलू की सब्जी बनाई, और अभी ये ओरियो बिस्किट का मैं केक बना रही हूँ, तो झटपट बन जाता है, मतलब थोड़ी टाइम में फटाफट बन जाएगा। तो आज बारिश हुई उस खुशी में हम लोग केक बना रहे हैं। इसमें मिलाऊंगी मैं मिल्क, थोड़ा मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा इनो डाल दूंगी अंदर, एक मोल्ट लिया उसमें थोड़ा सा बटर लगा दिया, और अभी डालेंगे हमारा बैटर, अभी रख देंगे इसको यहाँ पे ढक के पकाएंगे थोड़ी देर। केक बन चुके हैं अभी, एकदम मस्त चॉकलेट केक। अभी सब लोग मिलके केक खा रहे हैं, योगेश यहाँ पे केक खा रहे हैं, दिग्विजय यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, और हम लोग केक जो बनाया घर पे वो वाला केक अभी खा रहे हैं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए एंड बाय।